हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। आज के इस वीडियो में हमने लास्ट जो इसका पार्ट बनाया था सेक्शन फार्मूला का, उसमें हमने न्यूमेरिकल स्टार्ट किए थे। कुछ और न्यूमेरिकल्स लेके आपको प्रैक्टिस करवाते हैं तो आपको आइडिया आ जाएगी कि इसके ऊपर कैसे पूछते हैं। करेक्ट। अब देखो, यहां पे अनदर न्यूमेरिकल हमने लिया है। क्या है ये न्यूमेरिकल? इफ ए इज इक्वल टू क्या है, 5 1 p। आपको बी कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट भी दिया है 1 q p, एंड कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट ही दिया है 1, -2, 3 आर द वर्टाइसेस ऑफ ट्राइंगल। मतलब ये तीनों पॉइंट जो है वो ट्राइंगल के वर्टाइसेस है, एंड जी इसका क्या है, सेंट्रॉइड। Then find the value of PQR, ये बोल रहा है। देखो, हमने सेंट्रॉइड का फॉर्मूला ट्राइंगल का देखा है, करेक्ट। दैट इज अ जी वेक्टर। क्या है फॉर्मूला सेंट्रॉइड का? सेंट्रॉइड का फॉर्मूला है जी वेक्टर इज नथिंग बट ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर डिवाइडेड बाय 3। आपको याद आया होगा ये फॉर्मूला। अब देखो, ये फॉर्मूला को अप्लाई करके हम लोग ये प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। कैसे करेंगे देखो, आपको ए बी सी ये क्या दिया है, दैट इज द कोऑर्डिनेट्स दिए आपको ट्राइंगल के, और कैपिटल जी दिया है सेंट्रॉइड। तो हम ऐसे लिखेंगे, लेट स्मॉल ए कॉमा स्मॉल बी कॉमा स्मॉल सी एंड स्मॉल जी आर द पोजिशन वेक्टर्स ऑफ पॉइंट्स कैपिटल ए कॉमा कैपिटल बी कॉमा कैपिटल सी एंड जी रिस्पेक्टिवली। ये आपको समझने के लिए हमने फॉर्मूला लिखा है सेंट्रॉइड का, ट्राइंगल का सेंट्रॉइड का फॉर्मूला, करेक्ट। वो थीम लगा के हमको इसको सॉल्व करना है। अब देखो, यहां पे हम लोग क्या करेंगे, पहले ए वेक्टर लिख दीजिए। ए वेक्टर कैसे लिखेंगे, पहले को आई कैप से मल्टीप्लाई करो, देन जे कैप एंड देन के कैप। मतलब कोऑर्डिनेट्स अगर आपको मालूम है तो हम लोग उसके पोजीशन वेक्टर आराम से बनवा सकते हैं, और अगर पोजीशन वेक्टर मालूम है हम उसके कोऑर्डिनेट भी बना सकते हैं, जैसा लास्ट प्रॉब्लम में हमने देखा, राइट। हमने इससे पोजीशन वेक्टर ऑफ क्या बनाया था, मिड पॉइंट, और उसके बाद हमने उसके कोऑर्डिनेट्स बताए, करेक्ट। ए वेक्टर इज इक्वल टू क्या लिखो बोलो, 5 i कैप प्लस 1 j कैप प्लस p k कैप, नो प्रॉब्लम। ये आपका ए वेक्टर आया। अगर हम बी वेक्टर की बात करेंगे तो क्या आएगा, 1 को i से मल्टीप्लाई करो, i कैप प्लस q j कैप प्लस p k कैप, नो प्रॉब्लम। अब हम सी वेक्टर को डिफाइन करेंगे तो सी वेक्टर इज इक्वल टू 1 को i से मल्टीप्लाई करो, i कैप माइनस 2 j कैप और प्लस 3 k कैप। सिमिलरली आपको पोजिशन वेक्टर और g भी निकाल सकते हैं आप, ये कैपिटल g उसका पोजिशन वेक्टर, स्मॉल g इक्वल टू क्या लिखेंगे, r i कैप प्लस माइनस, माइनस कर लेंगे डायरेक्ट, माइनस 4/3 j कैप और 1/3 k कैप। सी जनरली आपका सेंट्रॉइड कैपिटल लेटर जी से दिखाते हैं और पोजीशन वेक्टर जो होता है उसको स्मॉल जी से दिखाते हैं। सो ये सब कैपिटल लेटर्स आर द वर्टाइसेस और कोऑर्डिनेट्स ऑफ यूर ट्राइंगल। ये जो वर्टाइसेस दिए उसके कोऑर्डिनेट्स दिए और हम उस वहां से पोजीशन वेक्टर बनाए, ओके। अब बात ऐसी है, आपको फॉर्मूला मालूम है, एज वी नो सेंट्रॉइड ऑफ ट्राइंगल ए बी सी इज अ गिवन बाय, और फिर हम फॉर्मूला लिखेंगे, क्या फॉर्मूला है, दैट इज अ जी वेक्टर इज इक्वल टू क्या लिखे, ए प्लस बी प्लस सी वेक्टर डिवाइडेड बाय 3। चलेगा, पोजीशन वेक्टर आपको जी मालूम है, मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करके 3 कर देता हूं,
और जी वेक्टर क्या है लिखा है हमने पोजीशन वेक्टर जी वेक्टर का आर इंटू आई कैप माइनस फोर बाई थ्री इंटू जे कैप प्लस वन बाई थ्री इंटू के कैप, सही है, इज इक्वल टू, अब ये तीन ने क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो ऊपर बचा ए बी सी, ए अपने पास क्या है फाइव इंटू आई कैप प्लस जे कैप प्लस पी के कैप, सही, बन बी वेक्टर क्या है आई कैप प्लस क्यू इंटू जे कैप प्लस पी इंटू के कैप, नो प्रॉब्लम, ए प्लस बी हो गया, अभी प्लस सी करने का, प्लस सी क्या है, सी आपका है आई कैप माइनस टू जे कैप प्लस थ्री के कैप, यहां तक समझ में आया, हमने जो बेसिक फंडामेंटल फार्मूला था उसको लिखा और बाद में क्रॉस मल्टीप्लाई करके थ्री इंटू जी वेक्टर कर दिया, एबीसी का वैल्यू को पुट किया। चलो अब इसको सॉल्व करो, अब सॉल्व कैसे करते देखो, पहले तीन से ब्रैकेट ओपन करो, थ्री मल्टीप्लाई करो, ओपन द ब्रैकेट, थ्री आर आई कैप, यहां पे मल्टीप्लाई किया तो थ्री थ्री गेट कैंसल, तो क्या लिखो माइनस फोर इंटू जे कैप और ये फिर दोबारा थ्री थ्री गेट कैंसल प्लस के कैप, नो प्रॉब्लम, दैट इज इक्वल टू, अब जरा बोर्ड पे ध्यान देना, यहां पे ये आई कैप की टर्म है, यहां पे ये आई कैप की टर्म है और यहां पे भी ये आई कैप की टर्म है, बराबर है ना, सो हम ये तीनों टर्म में से अगर आई कैप को कॉमन ले ले तो क्या बचेगा, यहां पे फाइव, इसका कोएफिशिएंट कुछ नहीं बोले तो वन, सिक्स और उसका कोएफिशिएंट वन बोले तो सेवन, सो हम क्या कर सकते, सेवन आई कैप, समझ गए कैसे लिखा, अब देखो यहां पे हम सेकंड में जे कैप जो है उसके कोऑर्डिनेट्स गैदर करेंगे, ये जे कैप, ये आपका क्यू इंटू जे कैप और यहां पे माइनस टू इंटू जे कैप है ना, सो हम लोग इसको अगर गैदर करते हैं तो क्या मिलेगा आपको, देखो यहां पे जे कैप प्लस क्यू और यहां पे माइनस टू जे कैप, सो मेरे ख्याल से इसको थोड़ा आपको एक स्टेप देना पड़ेगा, क्या जे कैप यहां पे है वन, हमने जे कैप को कॉमन निकाला है, यहां पे वन है, यहां पे प्लस क्या है क्यू और यहां पे क्या है माइनस टू, आर यू गेटिंग इट आर नॉट, ऐसे भी लिख के हम नेक्स्ट स्टेप एक में उसको ऑपरेट कर देंगे, ये जे कैप आया, अब क्या बचा के कैप है ना, अब देखो यहां पे के कैप है, यहां भी के कैप है और यहां भी के कैप है, क्या करेंगे के कैप के कैप के कैप कॉमन निकालेंगे तो पी प्लस पी नथिंग बट वॉट टू पी ना, पी प्लस पी टू पी प्लस थ्री इंटू के कैप, मेरे ख्याल से यहां तक समझने में कोई दिक्कत नहीं आना, हमने खाली टर्म्स को गैदर करवाया है और फिर ये लिखा है, अब हम लिख सकते हैं बाय इक्विलिटी ऑफ वेक्टर, क्या लिख सकते हैं हम बाय इक्विलिटी ऑफ वेक्टर, और बाय इक्विलिटी ऑफ वेक्टर से हम क्या बता सकते हैं, ये आई कैप का कोएफिशिएंट सेवन है, ये आई कैप का कोएफिशिएंट थ्री आर है ना, सो हम लोग ऐसा लिख सकते हैं थ्री आर इज इक्वल टू सेवन, तो मेरे ख्याल से हमारी आर की वैल्यू आ गई यार, डायरेक्ट आर की वैल्यू मिली सेवन बाय थ्री, आर यू गेटिंग इट आर नॉट, ये डायरेक्ट हमारी आर की वैल्यू मिली, अब हम क्या करेंगे, यहां पे जे कैप का कोएफिशिएंट क्या है देखो और यहां पे जे कैप का, अब यहां पे एक काम कर सकते हैं प्लस वन माइनस टू माइनस वन बोले तो क्या लिखू क्यू माइनस वन, यहां पे क्या बचा अल्टीमेटली क्यू माइनस वन बचा ना, और यहां पे कंपेयर करेंगे तो यहां पे माइनस फोर, माइनस फोर जे जे के कोएफिशिएंट को इक्वेट कर रहे हैं, अब देखो यहां से क्या मिलेगा, ये माइनस वन उधर गया तो प्लस वन हो जाएगा, तो क्यू का वैल्यू कितना आया, क्यू का वैल्यू आया माइनस थ्री, आर यू गेटिंग इट आर नॉट, अब वैसे ही क्या कर देना आपको, अभी k का कोएफिशिएंट को इक्वेट करो, यहां पे k का कोएफिशिएंट कुछ नहीं बोले तो क्या रहता वन, और यहां पे k का कोएफिशिएंट क्या है टू पी प्लस थ्री, सो टू पी प्लस थ्री इज इक्वल टू क्या लिखेंगे हम वन, नथिंग बट टू पी इक्वल टू, अब देखो यहां पे ये तीन उधर गया तो माइनस टू होता क्या, माइनस थ्री प्लस वन माइनस टू, तो आपको p का भी वैल्यू मिला, ये टू ने उधर डिवाइड किया तो माइनस वन, क्या पूछा था प्रॉब्लम में, फाइंड आउट द वैल्यूज ऑफ p कॉमा q एंड r,
हम नीचे फाइनल कर सकते हैं, देयरफॉर द वैल्यूज ऑफ पी कॉमा क्यू एंड आर आर क्या लिखें, 7/3 कॉमा -3 एंड -1 रिस्पेक्टिवली। ये हम ऐसे इसके आंसर दे सकते हैं, राइट। अब ये पूरा सॉल्यूशन, मतलब इसके बाद ध्यान में रखना, इस टाइप के प्रॉब्लम में एक तो आपको सेंट्रोइड निकालो बोलेंगे, सेंट्रोइड निकालना मतलब तो सीधा एबीसी देंगे डायरेक्टली उसको, कोएफिशिएंट आई जे जे के ऐड करो, डिवाइड बाय 3 करो, जो जी वेक्टर आएगा उसके आई का आई कैप, जो आई कैप है उसका कोएफिशिएंट, जे कैप का कोएफिशिएंट और के कैप का कोएफिशिएंट आपको क्या देगा, जी, दैट इज नथिंग बट कोऑर्डिनेट्स ऑफ योर सेंट्रोइड, बराबर है। नहीं तो कभी कभी ऐसा अननोन क्वांटिटी को निकालने को बोलेंगे, तो वो डायरेक्ट आएगा, ये थोड़ा इनडायरेक्ट था इसलिए पूरा समझा दिया, करेक्ट। एक बार गो थ्रू इट सो दैट वी विल प्रोसीड टू अगेन अनदर प्रॉब्लम, एक बार इसको देख लेना तो हमको, हम और एक प्रॉब्लम को जाएंगे तो आपको और थोड़ा इस टाइप का, मतलब सेक्शन फॉर्मूला में प्रॉब्लम वैसे सिंपल आते हैं बट कभी कभी प्रूव दैट बी दैट आया तो थोड़ा देखना पड़ेगा, बट बेसिक ऐसे ही अप्लाई करना पड़ता है, करेक्ट। सो हम एक और न्यूमेरिकल लेंगे, चले प्रोसीड टू नेक्स्ट, ओके। अब देखो हम नेक्स्ट प्रॉब्लम को अगर जाते हैं तो नेक्स्ट प्रॉब्लम में फार्मूला, मतलब बेसिक क्या है, आपको खाली फार्मूला याद रहना, बस अप्लाई कैसे करना बता दिया है, वैसे अप्लाई कर दो आराम से मार्क मिलेंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं। सो मैं ये रब करता हूं, हम और एक न्यूमेरिकल को जाएंगे तो आपको न्यूमेरिकल से अंदाज आएगा, है ना, सेंट्रोइड इन सेंटर जो भी है, फॉर्मूला के हिसाब से काम कर देना, बाकी कुछ नहीं। चलो बढ़िया, ले लो और एक प्रॉब्लम, देखो फाइंड द सेंट्रोइड ऑफ टेट्राहेड्रॉन विथ वर्टाइसेस, आपको चार वर्टाइसेस दिए हैं टेट्राहेड्रॉन के, करेक्ट, और आपका बोल रहा है कि उसका सेंट्रोइड बना, डायरेक्ट पूछा है, करेक्ट। अब ये प्रॉब्लम को अगर आपको सॉल्व करना है तो आपको मालूम है सेंट्रोइड का फॉर्मूला फॉर टेट्राहेड्रॉन क्या है, मैं बाजू में चाहिए तो लिख देता हूं, दैट इज अ जी वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर प्लस डी वेक्टर डिवाइडेड बाय, दिस इज द फॉर्मूला फॉर सेंट्रोइड, किसका, टेट्राहेड्रॉन का। ऐसे याद करो, ट्राइंगल है ना, तो ट्राइंगल को डिवाइड बाय 3, तीन ही वर्टाइसेस, इसको चार वर्टाइसेस डिवाइड बाय 4, राइट। अब हम इसको सॉल्व कैसे करेंगे, देखो पहले लिखना लेट, आपको कोऑर्डिनेट्स दिए हैं तो आपको इसके पोजीशन वेक्टर निकालने पड़ेंगे, तो पहले उसको डिफाइन करना पड़ेगा। सो यहां पर लिख सकते हैं लेट ए वेक्टर कॉमा बी वेक्टर कॉमा सी वेक्टर कॉमा डी वेक्टर एंड जी वेक्टर, जी भी लिख, आर द पोजिशन वेक्टर्स, आर द पोजिशन वेक्टर्स ऑफ पॉइंट्स या ऑफ वर्टाइसेस ऑफ पॉइंट्स कैपिटल ए कॉमा कैपिटल बी कॉमा कैपिटल सी कॉमा कैपिटल डी एंड कैपिटल जी रिस्पेक्टिवली, हमेशा मेथड यही फॉलो करना, राइट। अब देखो हम ये पोजीशन वेक्टर को डिफाइन कर लेंगे, देयरफॉर ए वेक्टर
क्या करना पड़ेगा, पहले को आई कैप, दूसरे को जे कैप और तीसरे को के कैप करिए। सो ए वेक्टर इज इक्वल टू 3 इंटू आई कैप माइनस 5 इंटू जे कैप प्लस 7 इंटू के कैप। नो प्रॉब्लम, वेरी गुड। अब देखो हम लोग बी वेक्टर को जाएंगे, क्या आएगा बी वेक्टर, 5 इंटू आई कैप प्लस 4 इंटू जे कैप प्लस 2 इंटू के कैप। नो प्रॉब्लम। अब हम सी वेक्टर को जाएंगे, क्या रहेगा, 7 इंटू आई कैप माइनस 7 इंटू जे कैप माइनस 3 इंटू के कैप। नो प्रॉब्लम। और डी वेक्टर क्या आएगा, डी वेक्टर आपका आएगा आई कैप। अब देखो यहां पे क्या आया, ये जीरो है, चाहिए तो आप जीरो को मेंशन कर दीजिए, तो 0 इंटू जे कैप है ना प्लस 2 इंटू के कैप। अगर आपको लगता है कि सर ये जीरो लिखने में कोई मजा नहीं तो मत लिखो, लिखना है तो लिखो, कंफ्यूजन रखना नहीं, क्योंकि भाई जे नहीं है तो जे में जे मिलाते वक्त के नहीं ऐड कर देना, वो कंफ्यूजन नहीं होना तो जीरो रखो, दैट इज द बेटर, करेक्ट। अब हमने चारों के पोजीशन वेक्टर को डिफाइन कर लिया है। अब आपको मालूम है एज वी नो क्या फॉर्मूला फॉर सेंट्रॉइड इज, फॉर्मूला फॉर सेंट्रॉइड इज, क्योंकि टेट्राहेड्रन का प्रॉब्लम है तो हम दोबारा टेट्राहेड्रन का सेंटर ऐसा लिखने की जरूरत नहीं, क्या है, दैट इज जी वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर प्लस डी वेक्टर डिवाइडेड बाय क्या करने का, 4, करेक्ट। अब देखो अगर आप डिवाइड बाय 4 करते हो, ए वेक्टर क्या है 3 इंटू आई कैप माइनस 5 इंटू जे कैप प्लस 7 इंटू के कैप, सही। बी बी का पोजिशन वेक्टर क्या है, 5 इंटू आई कैप प्लस 4 इंटू जे कैप प्लस 2 इंटू के कैप, समझ में आ रहा है आपको, ओके। सी का पोजिशन वेक्टर क्या है, 7 आई कैप माइनस 7 जे कैप माइनस 3 के कैप, और डी का पोजिशन वेक्टर क्या है, आई कैप प्लस 0 जे कैप प्लस 2 के कैप, एंड होल डिवीजन में क्या रहेगा, 4, डिवाइड बाय 4 है ना, सो हमने डिवाइड बाय 4 कर दिया, नो प्रॉब्लम। अब देखो जी वेक्टर इज इक्वल टू, अब ध्यान में ऐसे रखना कि पहले आई में आई को मिला दो, आई की कितनी टर्म्स है, 1, ये 2, ये 3 और ये 4 रेड कलर में जो मार्क किया है। अब देखो 3 आई कैप डायरेक्ट एडिशन कर सकते हैं, 5 प्लस 3 8, 8 प्लस 7 15, 15 प्लस 1 16 आई कैप, मेरे ख्याल से समझने में कोई दिक्कत नहीं होना, 5 और 3 8, 8 और 7 15, 15 और 1 16, करेक्ट। अब देखो हम जरा जे कैप के बारे में सोचेंगे, तो यहां पे ये जे कैप माइनस 5 जे कैप ये ब्लू कलर से मार्क कर रहे हैं, 4 जे कैप ये माइनस 7 जे कैप और आखिरी में 0 जे कैप, सही है। अब देखो इसके एडिशन करवा दो, सॉरी माइनस 5 प्लस 4, और डायरेक्ट नहीं जमता है तो फिर आपको लिख के उसका प्लस माइनस करना पड़ेगा, बढ़िया आसान है, माइनस 5 प्लस 4 कितना बचा, माइनस 1, माइनस 1 यहां तक आया, माइनस 1 माइनस 7 माइनस 8 और ये प्लस 0, तो यहां पे क्या लिखो, माइनस 8 जे कैप, समझ में आने कैसे किया, या उल्टा करके देख सकता है ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं, बट कैसे भी किया तो वही आएगा, माइनस 5 और माइनस 7 एडिशन करेंगे तो माइनस 12 प्लस 4 माइनस 8, क्योंकि वो तो 0 जे, करेक्ट। अब रही बात के कैप की, अब देखो ये 7 के कैप, मैंने डबल लाइन लगाया है, यहां पे 2 के कैप बराबर है, यहां पे माइनस 3 के कैप और यहां पे 2 के कैप, चलेगा। अब देखो के कैप के एडिशन करो, 7 प्लस 2 9, 9 प्लस 2 11, 11 में से 3 गया, करेक्ट, 7 प्लस 2 9, 9 प्लस 2 11, 11 माइनस 3, मेरे कैसे 11 माइनस 3 बोले तो कितना आएगा, 8 आएगा क्या, 8 के कैप एंड डिवाइडेड बाय व्हाट, 4, नो प्रॉब्लम,
अब हम क्या करेंगे, इसको रिजॉल्व इनटू फ्रैक्शन करो, इन्होंने इनको डिवाइड करो तो क्या लिखू, फोर आई कैप, इन्होंने इनको डिवाइड करो तो माइनस टू जे कैप, इन्होंने इनको डिवाइड करो तो टू के कैप। सो दिस इज द पोजिशन वेक्टर ऑफ यूर सेंट्रॉइड ऑफ टेट्राहेड्रॉन। अपने को पूछा क्या है, फाइंड द सेंट्रॉइड ऑफ टेट्राहेड्रॉन विद वर्टाइसिस। ये पोजिशन वेक्टर आया, कोऑर्डिनेट्स नहीं आए। अब हमको इसके कोऑर्डिनेट अगर लिखने तो आपको मालूम है आई के कोएफिशिएंट का टर्म लेने का, जे के और के का कोएफिशिएंट्स लिखे तो उसके कोऑर्डिनेट्स मिलते, तो हम लिख सकते हैं देयरफॉर कोऑर्डिनेट्स ऑफ सेंट्रॉइड, कोऑर्डिनेट्स ऑफ सेंट्रॉइड ऑफ टेट्राहेड्रॉन इज, और कोऑर्डिनेट्स को कैपिटल जी से दिखाते हैं, राइट right? मतलब वर्टाइसेस या कोऑर्डिनेट्स किसके से, देखो यहां पे भी वर्टाइसेस कैसे डिफाइन किए, कैपिटल ए कैपिटल बी कैपिटल सी, और आपको पोजीशन वेक्टर स्मॉल ए स्मॉल बी स्मॉल सी स्मॉल डी स्मॉल जी ऑलवेज। अब देखो कोऑर्डिनेट्स कैसे किए जाएंगे यहां पे, अब यहां पे कोऑर्डिनेट्स क्या हो गए, यहां पे हो गया आई का कोएफिशिएंट नथिंग बट व्हाट, फोर ना, जे का कोएफिशिएंट माइनस टू ना, और आपका के का टू, करेक्ट। So this is nothing but your full and final answer for tetrahedron centroid निकालने का ये full and final answer है, correct? समझ में आया क्या ये अभी, मतलब वैसे simple है, एक बार समझ में आया कैसे apply करना है तो आराम से आप इसको base पकड़ के number of problem की practice कर सकते हैं, करेक्ट। फॉर्मूला याद रहे ना, एप्लीकेशंस तो आपको अभी आपको बताया है ना, आप वैसे कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखो विद दिस हम लोग यहां पे सेक्शन फॉर्मूला की प्रैक्टिस या पॉइंट को कंक्लूड करेंगे, और इन द नेक्स्ट वीडियो हम लोग नेक्स्ट पॉइंट को जाएंगे, चलेगा? सो जरा ध्यान देना, प्रॉब्लम एक दो तीन सॉल्व करके दिखाए, आपको पूरा थ्योरी समझाया है, जरूर आपको इसका फायदा होगा, करेक्ट। अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करो, शेयर करो फ्रेंड्स के साथ, कमेंट्स दे दो, करेक्ट। और आपकी रिक्वायरमेंट भी कुछ है तो वैसे भी हम देखेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, करेक्ट, चलेगा। सो वी विल कंक्लूड दिस, अगेन विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो, थैंक यू।